ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। प्रिंस पासवान समस्तीपुर के सांसद, समस्तीपुर एक सुरक्षित सीट, लेकिन इस बार यह सीट गई है चिराग पासवान के खाते में। अब दिलचस्प बात यह है कि सबके मन में एक सवाल उठ रहा है कि प्रिंस पासवान आखिर चुनाव लड़ेंगे कहां से, या चुनाव लड़ेंगे भी या नहीं। एक तस्वीर सामने आई है प्रिंस पासवान की, बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार के प्रभारी विनोद तांबड़े से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्या प्रिंस पासवान भारतीय जनता पार्टी के जरिए चिराग पासवान की पार्टी में एंट्री करने वाले हैं? क्या प्रिंस पासवान एक बार फिर से समस्तीपुर सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? दोनों भाइयों के बीच के रिश्ते की बात करें तो रिश्ते बेहतर नहीं है। प्रिंस पासवान इससे पहले तक पशुपति पारस गुट के सांसद हुआ करते थे, अभी भी हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पशुपति पारस गुट को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बेटिकट कर दिया। किसी को टिकट नहीं मिला, प्रिंस पासवान को भी टिकट नहीं मिला। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के जरिए एक बार फिर से प्रिंस पासवान अपने चाचा पशुपति पारस की राह को छोड़कर भाई चिराग पासवान के साथ आते हैं? समझिए, पहले समस्तीपुर सीट पर रामचंद्र पासवान सांसद हुआ करते थे, उनके निधन के बाद यहां उपचुनाव होता है और प्रिंस पासवान यहां से सांसद बनते हैं उपचुनाव में जीतकर। पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी जो थी दो भागों में बंटती है और प्रिंस पासवान जो है वो अपने चाचा पशुपति पारस के पास चले जाते हैं। अब इस सीट को लेकर पेच फंस गया है। प्रिंस पासवान चुनाव तो लड़ना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि चिराग पासवान से उनकी जो अदावत है वो देखते हुए ऐसा मुमकिन नहीं लग रहा है। विनोद तांबड़े से ये मुलाकात, हालांकि मुलाकात के बाद उन्होंने प्रिंस पासवान ने ट्वीट कर ये कहा है कि होली की बधाई देने के लिए वो मिले हैं, लेकिन राजनीति में इस मिलन को सिर्फ होली मिलन तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, क्योंकि प्रिंस पासवान भी जानते हैं कि उनकी राजनीति अभी बहुत लंबी है और उन्हें कहीं ना कहीं से इस बार लोकसभा चुनाव लड़ना है। तो क्या सुरक्षित सीट है समस्तीपुर? ऐसे में चिराग पासवान को मना पाएंगे विनोद तांबड़े इनके लिए, प्रिंस पासवान के लिए? यह देखना दिलचस्प होगा। अब समस्तीपुर के बारे में कहा जाता है कि चिराग पासवान यहां से संजय पासवान को चुनावी मैदान में उतार सकते हैं। ऐसे में इस गुणागणित को देखते हुए यह मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है और अब देखना यह है कि प्रिंस पासवान आखिर क्या फैसला लेते हैं और प्रिंस पासवान के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कोई नया रास्ता तलाशती है, ये देखना दिलचस्प होगा। कमेंट कर हमें जरूर बताइए खबर आपको कैसी लगी और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।